आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा नमाज पढ़ने के लिए निकल चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में भारी समर्थनों के साथ में निकल रहे हैं। वो यहाँ से जामा नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद वो इस्लामिया ग्राउंड में पहुंच कर जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश में और सब क्या कहना चाहिए, तो देख सकते हो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है, आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ, तमाम मुसलमान हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी दे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको बहुत तेजी आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, जानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है, और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे? अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो, मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ, वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। कोई प्लानिंग नहीं, गिरफ्तारी देनी है बस। पुलिस प्रशासन है, गोली चला दे। क्या कहेंगे आज नमाज पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं जेल भरो आंदोलन का? धन्यवाद। कैलाश मानसरोवर ले लो, उसके बाद हिंदुस्तानी इन तमाम चीजों की बात करना। कैलाश मानसरोवर नहीं ले सकते तो तुम हिंदुत्व के गद्दार हो, मक्कारी कर रहे हो। तो देखिए यह है मौलाना तौकीर रजा का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ से नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत वर्ष, बरेली।